हिमालयन माउंटेन से बे ऑफ बंगाल तक बहती दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड बेसिन विद ओवर 400 मिलियन पीपल ड्वेलिंग एंड सस्टेनिंग ऑन इट, अ ड्रेनेज बेसिन ऑफ अराउंड 10,80,000 स्क्वायर किलोमीटर, एक शक्तिशाली नदी जिसका धार्मिक महत्व भी है। हम बात कर रहे हैं गंगा के बारे में। इंडिया में गंगा रिवर सिस्टम एग्रीकल्चर, फिशिंग, ड्रिंकिंग वाटर और बाथिंग जैसे पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर सिस्टम आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा रिवर के बारे में। साल 2008 में गंगा रिवर को देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। 2,525 किलोमीटर लंबी गंगा रिवर इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम में से एक है, जो न सिर्फ लाखों लोगों के लिए पीने के पानी का स्रोत है बल्कि फिशिंग और इरिगेशन के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ के मेजर रिवर बेसिन को कवर करता है गंगा रिवर सिस्टम, तो चलिए इसके ओरिजिन और ट्रिब्यूटरीज के बारे में विस्तार से जानते हैं। गंगा रिवर उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गंगोत्री ग्लेशियर से 7,010 मीटर की ऊंचाई पर भागीरथी रिवर के रूप में ओरिजिनेट करती है। भागीरथी रिवर इस ग्लेशियर से साउथ वेस्ट की ओर बढ़ते हुए धरासू जाती है, वहां से इसका रुख साउथ ईस्ट की तरफ हो जाता है। यहां से यह टेहरी से होते हुए देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर से मिलती है। अब जानते हैं अलकनंदा रिवर के बारे में। यह रिवर सतोपंत ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जिसके बाद यह माना बद्रीनाथ का सफर करते हुए आगे बढ़ती है। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी रिवर जिस पॉइंट पर मिलती हैं, वहां से जन्म होता है गंगा रिवर का, जो यहां से वेस्ट की ओर ट्रेवल करती है। अब प्लेन्स पर आने के लिए गंगा रिवर ऋषिकेश से होते हुए शिवालिक हिल्स तक पहुंचती है, जहां से ये फिर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स पर फ्लो करती है। गंगा रिवर फ्लो करते हुए न्यूट्रिएंट रिच सप्लीमेंट्स कैरी करती है, जो इसके किनारों पर फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट करती है। इसके कारण अलोंग द वाटरवे सिविलाइजेशंस डेवलप हुए हैं। गंगा रिवर सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग गंगा ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू? ऑप्शन ए इज काली, जिसे हम शारदा कहते हैं। ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंडक। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमालयन ग्लेशियर से राइस करते हुए घाघरा, गंडक, रामगंगा, काली, भूरी और कोसी गंगा से मिलती है। ये गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो नेपाल हिमालय से फ्लो करते हैं। इसके अलावा पेनिनसुलर के सेमी एरिड पार्ट से चंबल, बेतवा, बानस, सिंध, केन, दामोदर और सोन रिवर गंगा में आकर मिल जाती हैं। ये गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। एक कन्फाइंड एरिया में बहते बहते हुए अब गंगा ओपन एरिया में आ जाती है। बिजनौर, अलीगढ़ और कानपुर होते हुए ये प्रयागराज पहुंचती है, जहां ये यमुना नदी के साथ जुड़ती है। फैक्ट टू बी नोटेड, यमुना गंगा की मोस्ट इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में बंदर पूंछ पीक से लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। मूविंग ऑन, प्रयागराज पहुंचने के बाद गंगा राजमहल हिल्स से साउथ ईस्ट की ओर मुड़ जाती है। यहां से ये वेस्ट बंगाल के फरक्का में जाकर बाइफरकेट कर जाती है इंटू भागीरथी हुगली इन वेस्ट बंगाल एंड पद्मा मेघना इन बांग्लादेश। भागीरथी हुगली और पद्मा मेघना गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले गंगा ब्रह्मपुत्रा के साथ भागीरथी हुगली और पद्मा मेघना के बीच 58,752 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्या आप जानते हैं कि गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी को सौरा ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है? इस रिवर का नाम है कोसी, जो इंडियन हिस्ट्री का ओल्डेस्ट रिवर है। कोसी में हर साल बाढ़ आने की वजह से करीब 21,000 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड प्रभावित होता है, जिसके कारण रूरल इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा को ही पद्मा के नाम दिया गया है। बांग्लादेश में ही नहीं, आसाम और अन्य स्टेट से बहते हुए ब्रह्मपुत्र पद्मा रिवर या गंगा रिवर के साथ जुड़ जाती है, जिसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अब मेघना नदी एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है और समुद्र में मिलने से पहले कई डेल्टास बनाती है, जिसका एक्सटेंशन इंडिया तक है। गंगा में मिलने वाली लगभग हर ट्रिब्यूटरीज के आसपास इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जिसके कारण गंगा समय के साथ काफी पॉल्यूटेड हो गई है। टुडे गंगा इज द फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। गंगा को एक बार साफ और सुरक्षित बनाने के लिए 20,000 करोड़ के बजट के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नमामि गंगा नाम के अपनी एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके तहत गंगा रिवर को साफ करने की मुहिम चलाई जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कौन से साल में नमामि गंगे प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया था? अभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए जाते जाते आपसे एक और सवाल कर लेते हैं। Which of the following is not a left bank tributary of river Ganga? Option A, Ram Ganga. Option B, Kosi. Option C, Mahananda. Option D, Son. जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर जरूर बताएं। अगर आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एम्बाइब करेगा इसमें आपकी मदद। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पक्की तैयारी के लिए आज ही एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें। इंडिया के बेस्ट एकेडमिशियंस और AI पावर्ड वीडियो के साथ प्रिपरेशन की शुरुआत करें। Keep imbibing and download the imbibe app now.